कुछ नहीं किया है, वो विक्टिम गलत फहमी थी, पुलिस वाले बिना वजह में ले गए थे। मैं सिर्फ सुहेल से बात करने गई थी। क्यों क्यों बात करने गई थी उससे? ऐसी कौन सी बात थी जो तुम्हें उस सुनसान जगह पे उससे करनी थी? भाई मैं किरण और जरबा भाई के बारे में बात करने गई थी। किरण बताओ ना भाई को, ये सब जानती है, ये इसको पता है कि मैं जुहेब से मिलने गई थी। बताओ ना किरण, तुम चुप क्यों? बताओ कि तुमने मुझे भेजा था जुहेब से मिलने, और जगह का इंतखाब भी किरण ने किया था। भाई पूछ ले आप। क्या मेरे कहने पर? लो कर लो बात, मेरी मासूम बच्ची पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हो तुम। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैं इल्जाम नहीं लगा रही मुमानी जान। सरासर इल्जाम लगा रही हो तुम। अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। अरे तुम्हारे ससुराल पर तो इसकी पहले दिन से नजर थी, भांप लिया था मैंने। शादी में ही जुहेब से आंख मटक के लड़ा रही थी बीबी, मैं चुप रही, मेरी शराफत थी। लेकिन नौबत यहाँ तक पहुँचेगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा। ये बेगैरत सन्नाटे में मुलाकातें। वजाहत साहब के सामने मेरा सर जमीन में गड़ गया। पता नहीं, मुझे नहीं लगता मैं अब कभी भी उनसे नजरें मिला पाऊंगा। किरण चुप क्यों हो? किरण खुदा के वास्ते कुछ बोलो, अब कौन सा नया खेल खेल रही हो तुम? क्यों कर रही हो मेरे सामने? तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम पागल तो नहीं हो गई? अपना गुनाह छुपाने के लिए अल्लाह माफ करे मेरे सब पे डाल रही हो। गुनाह? मैंने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन गुनाह तुम कर रही हो ये खेल खेल के। लेकिन याद रखना, जो किसी के लिए गड़ा खोदते ना, खुद भी नहीं बचते उससे। मेरी बकवास बंद कर, अगर मेरे खिलाफ एक और लफ्ज कहा ना तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। अच्छा नहीं होगा। बकवास मैं नहीं करी, बकवास तुम कर रही हो। धोखा दिया तुमने, झूठ बोल रही है। बीजान बीजान, आप जो मेरा यकीन करें, मैंने कुछ नहीं किया है। कोई जरूरत नहीं बीजान इसकी कोई भी बात मानने की। मैं बताती हूँ आपको सच सच के हुआ क्या था। हुआ ये कि इसने मुझे बताया था कि ये जुहेब से मिलने जाएगी। मैंने इसे बहुत समझाया कि वो लड़का बाहर से पढ़ लिख कर आया, उसका दिमाग उसकी सोच अलग है, वो तो हजारों लड़कियों के साथ रहता होगा, अयाश है, फ्लर्ट है। लेकिन उजाला ने मेरी एक नहीं सुनी। मैंने इसे इतना समझाया कि इस घर की इज्जत का ख्याल करो, उससे मिलने ना जाना, लेकिन फिर भी उससे मिलने चली गई। और तो और मैंने तो ये भी कह दिया था कि तुम जैसी यतीम लड़की के साथ वो लोग कभी रिश्ता नहीं जोड़ेंगे। वो लड़का क्यों रिश्ता भेजेगा इसके लिए? अरे बदबख्त, तूने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। किस मुंह से मेरी बच्ची वापस घर जाएगी? तुमने तो इसको किसी से नजरें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा। कुछ ख्याल ही किया होता, तुम्हारी बहन जैसी है। तुमने तो मेरी बच्ची का घर उठाने में किसी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ी। तुम्हारी जान मैं ऐसा क्यों करूंगी? अल्लाह के वास्ते मेरा यकीन करे, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि इस घर की इज्जत खराब हो। मैं बीजान के सर की कसम खाती हूँ। शर्म नहीं आती तुझे? बीजान के सर की झूठी कसम खाते हुए? खुदा ना खासा हमारी बीजान को कुछ हो जाए तो? शर्म नहीं आई तुम्हें? चुप है, मेरा तो दिल चाहता है कि मैं इसका इस वक्त खून पी जाऊं। हमारे खानदान से कोई मर्द थाने के चेहरे नहीं गया, और ये जवान लड़की थाने से आ रही है। अरे बेड़ा गर्क हो तेरा उजाला, तूने जीते जी मार दिया। हमने क्या किया तेरे साथ बुरा बता, जो इतनी बड़ी दुश्मनी की हम लोगों से, हमारी इज्जत ही नीलाम कर दी पूरी दुनिया में तूने। अरे तुझे अपने घर लेके आए, पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, अच्छी तरबियत की, ये सला दिया हमारी शफ़क़त का मोहब्बत का। तुम्हारी बहन की अपने खूबरू नौजवान बेटे से शादी की, कुछ तो ख्याल कर लेती बेगैरत। सच कहते हैं, पराई औलाद को पालने का कोई सिला नहीं मिलता। बस कर दो अम्मा, जो बदनामी होनी थी सो हो चुकी। अब कौन आएगा इसे ब्याने? सारी जिंदगी हमारे सीनों पे मूंग दलती रहेगी बैठी ये। कोई नहीं आएगा इसको ब्याने।